नमस्कार दोस्तों, मिस्टर्स बातों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के ऐसे रहस्यमय आइलैंड के बारे में जहां महिलाओं के जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जो काफ़ी खूबसूरत हैं और वो अपने अंदर एक इतिहास संजोए हुए हैं। इन जगहों के बारे में सुनने के बाद हर किसी का ऐसी जगह पर जाने का मन करता है। दक्षिण पश्चिमी जापान में ओकिनोशिमा आइलैंड एक ऐसी जगह है जिसे काफ़ी पवित्र माना जाता है और उसका अपना एक खुद इतिहास है, लेकिन इस पवित्र आइलैंड पर किसी भी महिला को प्रवेश नहीं मिलता। इस आइलैंड को यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है। ओकिनोशिमा क्यूशू के दक्षिण पश्चिमी मुख्य द्वीप और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच में स्थित है। माना जाता है कि चौथी और नौवीं शताब्दी के दौरान यह कोरियाई और चीन के बीच संबंध का केंद्र था। मान्यता है कि यहाँ समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिए समुद्र देवी मुनाकाता ताइसा ओकित्सु की पूजा की जाती थी और आज भी यहाँ उनका एक मंदिर है। मुनकाता तीसा के पुजारी जो सिंटो श्राइन का एक समूह है, उन्हें ही सैद्धांतिक रूप से द्वीप के 17वीं शताब्दी के मंदिर में पूजा करने की अनुमति है। जापान के लोग इस आइलैंड को काफ़ी पवित्र मानते हैं और यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए काफ़ी सख्त कानून बनाया गया है। इस आइलैंड पर कानून इतने सख्त हैं कि यहाँ साल में केवल एक बार 200 से अधिक पुरुषों को यात्रा करने की अनुमति दी जाती है। इस आइलैंड पर हर साल 27 मई को नाविकों को सम्मानित किया जाता है। उसके लिए 1904 से 5 के रूस जापानी युद्ध के दौरान मारे गए थे, उनको श्रद्धांजलि आज भी दी जाती है। इस दौरान आइलैंड पर आने वाले पुरुषों को मिसोगी से होकर गुजरना पड़ता है। बता दे कि मिसोगी में पुरुषों को पूरी तरह से नग्न होकर समुद्र में नहाना होता है। मान्यता है कि वो ऐसा करके खुद की अशुद्धियों से छुटकारा पाते हैं। आइलैंड की वेबसाइट की जानकारी के अनुसार इस आइलैंड से किसी को कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि घास भी नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।